हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जे मोटिवेशन। फ्रेंड्स, आज यहां पर आरपीएससी सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2018 की हम बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, कोई भी स्टेट से कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। यहां पर दोस्तों बता दूं, पोस्ट नेम सीनियर टीचर के लिए आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि स्टार्टिंग डेट की हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, 10 मई 2018 से लेकर के 9 जून 2018 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की हम बात करें जर्नल और अदर स्टेट के लिए, यानी कि अदर स्टेट का अगर अप्लाई करता है दोस्तों और जनरल कैटेगरी का अप्लाई करता है राजस्थान से ही, तो दोस्तों 350 रुपये उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। बीसी ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 150 रुपये एडमिशन फ़ीस रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम फॉर्म करेक्शन डेट की, यानी कि अगर आपका फॉर्म फिलिंग के दौरान अगर फॉर्म इनकरेक्ट हो जाता है तो दोस्तों 10 जून से लेकर के 16 जून के बीच आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, एग्जाम डेट भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते हैं। जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ, राजस्थान, इसमें जॉब लोकेशन दी जा रही है, यानी कि राजस्थान में आपको जॉब करनी होगी, और ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। 1 जनवरी 2019 तक एज लिमिट आपकी जो है दोस्तों, अगर 18 से 40 साल के बीच है तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ, 9000 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, और 9000 पदों से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी ली जा सकती हैं। पोस्ट नेम यहाँ पर सीनियर टीचर, और स्टेट वाइज वैकेंसी की मैं बात करूँ दोस्तों, नॉन टीएसपी एरिया के लिए यहाँ पे 8162 जो है पोस्ट टोटल दी गई हैं, और टीएसपी एरिया के अंदर दोस्तों यहाँ पर 838 पोस्ट टोटल दी जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी अलग अलग दी जा रही है, जो कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग। इसी तरह दोस्तों, नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के अलग। इसी तरह जो है साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और संस्कृत, सोशल साइंस, उर्दू अलग अलग जो है यहाँ पर, पंजाबी, सिंधी अलग अलग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट वाइज इस तरह की नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसीज़ और टीएसपी एरियाज़ की वैकेंसीज़ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दी जा रही है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर किसी को दोस्तों यहाँ पर बारीकी से देखना है तो आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पे स्केल की मैं बात करूँ तो पे स्केल आपको पे मेट्रिक रूल के हिसाब से, यानी कि 7 पे के अकॉर्डिंग 21,000 से आप जो है यहाँ पर प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है, और ग्रेड पे अलग से यहाँ पे दिया जा सकता है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन ली जा रही है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मैथमेटिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और उसमें आपका जो है दो सब्जेक्ट डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास इस सब्जेक्ट से होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। साइंस के लिए मैं बात करूँ दोस्तों, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट जो है दो सब्जेक्ट के लिए आपके पास जो है यहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के इनमें से दो सब्जेक्ट में आपका जो है यहाँ पर साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर दोस्तों यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा आपका एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या फिर डिग्री अगर है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए भी इसी तरह से दोस्तों, ग्रेजुएट आपका है और इसमें जो सब्जेक्ट दिए हैं दोस्तों, इनमें आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा सोशल साइंस का होना चाहिए। दोस्तों, मैं बात करूं यहां पर हाउ टू अप्लाई की, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहां पर आरपीएससी सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2018 की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर निकाली गई है, जो कि मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा अप्लाई ऑनलाइन करके। और दोस्तों, यहां पर 10 मई से लेकर के 9 जून तक आप जो है इस फॉर्म को अपना फिल अप करके, और दोस्तों पूरी जो है डिटेल भर करके, करेक्टली भर करके आप जो है एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करके यहां पर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं, यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन यहां पर रहने वाला है वो है रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू, यानी कि रिटर्न एग्जाम आपका लिया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू यहां पर कंप्लीट किया जाएगा, इस बेस पे आपका प्रोसेस कंप्लीट यहां पर किया जाएगा। दोस्तों, आरपीएससी सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2018 की अगर आपको कोई और जानकारी इससे और चाहिए तो दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो है लिंक पर जाकर के चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर दोस्तों फर्स्ट कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, अगर और कोई भी क्वेरीज आपकी इसमें रह जाती है, या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर इसी तरह की वैकेंसी देने के लिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करता है। दोस्तों।